बांदा में अन्ना प्रथा की रोकथाम के लिए अब सरकार इनकी गिनती करने की बात कर रही है। 1 दिसंबर से टैबलेट के माध्यम से अन्ना पशुओं की गिनती की जाएगी, जिससे इनके उन्मूलन में सहयोग मिल सकेगा। सरकार कृत्रिम गर्भाधान और वधियाकरण जैसे कार्यक्रम भी चला रही है। इन सब के बावजूद भी अन्ना जानवर किसानों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। फसलें जब आ जाती हैं, फसलें में इस तरह जानवर चढ़ता है, बाबूजी रात रात भरे मान लो हमें घूमना पड़ता है, हम ही नहीं अन्न चलो और परेशानी है, हम ही भर के लिए परेशानी हो। यहाँ साहब जी अन्ना प्रथा बहुत खराब है, मछली मोड़े पर तो बहुत घूम रहे है, कोमर सतह नहीं। अरे जो है फसल का नुकसान है। 20वीं पशु गणना पूरे प्रदेश में एक साथ शुरू हो रही है और ये हमारे गणना करता टैप लेकर टैप के ऊपर ये पूरी जनगणना होगी। ये गांव में जाएंगे, प्रत्येक परिवार का मुखिया का नाम उसमें टैप में फीड करेंगे। उसके बाद जो जानवर है उनकी प्रजाति, उनकी संख्या, नर मादा अलग अलग सूचना उसमें वो डालेंगे। उसमें तो पशु गणना में तो उनकी गणना होगी, लेकिन इसके अलावा हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने योजनाएं चलाई हैं। उसमें एक योजना जो मुख्य रूप से अभी चालू हो रही है, उसमें एक तो यह है कि इनका वधियाकरण किया जाए, हम इसमें कृत्रिम गर्भाधान वो भी करा रहे हैं, ताकि हम उन गायों की नस्ल आगे चल के सुधार सके और वो पशुपालक उसे रखें।